श्रीगंगानगर से राकेश मित्वा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में जिला न्यायालय के वकीलों ने एडीएम कार्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन करके गंगा नहर में आ रहे गंदे पानी को लेकर के अपना विरोध किया। बड़ी तादाद में वकील समुदाय जब जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में एडीएम को ज्ञापन देने गए तो एडीएम ने केवल 5 लोगों को अंदर आकर ज्ञापन देने को कहा। इस पर वकील समुदाय उखड़ गया और जबरदस्त नारेबाजी की और हंगामा शुरू किया। जबरन एडीएम के ऑफिस में घुसने की कोशिश की। बाद में वकीलों की भीड़ ने एडीएम कार्यालय के आगे ही धरना दिया। बाद में एडीएम का पुतला जला कर के कार्यालय के आगे ही फूंक दिया। बड़ी तादाद में पुलिस जाप्ता होने के बावजूद भी वकील द्वारा इस प्रकार किए गए प्रदर्शन को लेकर के वकील समुदाय का कहना है कि यह एडीएम की हठधर्मिता के कारण हुआ है। संपूर्ण अधिवक्ता स्टाम्प वेंडर टाइपिस्ट अर्जुन यूएस दूषित जल को बंद करने के विरोध स्वरूप हमने हमारा काम बंद किया। समय के अनुसार 11 बजे से 11:30 बजे के बीच में संपूर्ण जिले में जहां भी व्यवस्था थी उस हिसाब से हमने ज्ञापन देना था। हम भी शांतिपूर्वक 300-400 साथियों के साथ यहां ज्ञापन देने आए तो हमें पता लगा कि यहां के अधिकारी किसी टी पार्टी में गए हुए हैं, किसी नेताजी की जी हजूरी में।